यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीति जिंदा जो है उनकी जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, लागणशील होते हैं, सत्य और निष्ठावान होते हैं, कला में निपुण होते हैं। साथ में ही उनका जो लग्न है वो तुला है। तुला लग्न जो है वो वायु तत्व का लग्न है, शुक्र का लग्न है। वायु तत्व का लग्न होने की वजह से जातक हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है। तुला राशि उसका जो प्रतीक है वो है तुला है, जो कि वेल बैलेंस कैरेक्टर इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे हम देखें कि उनकी कुंडली में द्वितीय भाव में राहु है। द्वितीय भाव जो कि है कुटुंब का है, फैमिली का है। ये भाव में जब राहु आता है तो एक दोष करता है। कई बार ऐसा देखा गया है जब द्वितीय भाव में राहु हो तो जातक जो होते हैं उनके माता या पिता किसी एक का जल्दी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखें कि जब उनकी उम्र 13 साल की थी तब उनके पिताजी का अकस्मात में मृत्यु हुआ था। यहाँ पे देखें कि उनकी कुंडली में पिताजी का जो स्थान है कर्म भाव, दशम भाव का मालिक खुद ही व्यय भाव में है। साथ में ही पिता का कारक सूर्य जो कि चतुर्थ भाव में है, अपनी अस्त राशि में है, शनि की राशि में है, जो पिता का जो उनको सुख मिलना चाहिए वो कम इंडिकेशन दे रहा है। साथ में ही मंगल ग्रह जो है वो भी दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। जब उनकी उम्र 13 साल की थी तब देखे कि शनि महाराज जो थे वो यहाँ से भ्रमण कर रहे थे और यहाँ से वो दशम दृष्टि से कर्म भाव के मालिक चंद्र को देख रहे थे, भाग्य भाव भी देख रहे थे। भाग्य भाव भी पिता का इंडिकेशन दे रहा है। तो शनि यहाँ पे ये दो जो चीजें है उसमें नकारात्मक रिजल्ट दिया। पिता का एक्सीडेंट जो हुआ उसमें शनि महाराज का जो था रोल वो ज्यादा था, स्ट्रांगली रोल था। यहाँ पे हम देखें कि उनका जो एजुकेशन रहा, उन्होंने जो डिग्री प्राप्त की वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में की। क्रिमिनल साइकोलॉजी को अगर समझना हो तो चतुर्थ भाव पंचम भाव जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और क्रिमिनल साइकोलॉजी में शनि महाराज, सूर्य और बुध का ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुध और शनि का परिवर्तन है। पंचम भाव का मालिक, कर्म चतुर्थ भाव का मालिक जो कि डिग्री का स्थान है, वो जब वक्री होता है तो इंसान ऐसे फील्ड में एजुकेशन लेता है, डिग्री लेता है जो कि थोड़ा हटके हो, थोड़ा हार्ड हो और सबसे अलग हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वक्री शनि की वजह से उन्होंने जो डिग्री प्राप्त की वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में की। यहाँ पे हम देखें प्रीति जिंता के कुंडली में जो पंचम भाव है, पंचम भाव है आर्ट और एंटरटेनमेंट का। तो यहाँ पे बुध शुक्र और गुरु का जो ये युति है, लघु पराशरी के जो रूल्स है उसके हिसाब से लग्न भाव जो कि केंद्र है उसका मालिक त्रिकोण में है और दो त्रिकोण भाव के मालिक का परिवर्तन है। तो ये स्ट्रॉन्गली राजयोग कर रहा है, पंचम भाव में कर रहा है। पंचम भाव जो है वो एंटरटेनमेंट का है, फिल्म का है, तो वहां पे राजयोग उनको अच्छा फल दे रहा है। साथ में ही पंचम भाव जो है वो गेम्स का है। तो पंचम भाव में ये जो लघु पराशरी का राजयोग हो रहा है उन्होंने उनको फिल्म में तो स्थान अच्छा दिलवाया ही, साथ में भी गेम्स में भी उनका इन्वॉल्वमेंट करवाया, उसमें भी उनको अच्छा फल ओवरऑल दिया। 1998 में प्रीति जिंदा ने फिल्म दिल से एंट्री की, डेब्यूट किया। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो समय था तब गुरु महाराज जो थे वो यहाँ से भ्रमण कर रहे थे। ये जो पांचवा स्थान है वो खुद ही एंटरटेनमेंट का है। पंचम भाव पे जब गुरु की दृष्टि हो, पंचम भाव में से जब गुरु का भ्रमण हो रहा हो तो जातक फिल्म लाइन या आर्ट से रिलेटेड लाइन में अच्छा उसको रिजल्ट मिलता है। ये जो गुरु यहाँ पे चल रहे थे 1998 में वो उसके भाग्य भाव, लग्न भाव और लाभ भाव पे दृष्टि कर रहे थे, जिसकी वजह से वो ये एंट्री कर सके। साथ में ही 1998 में राहु महाराज लाभ भाव में से भ्रमण कर रहे थे, केतु महाराज पंचम भाव में से भ्रमण कर रहे थे।
हम पहले भी देख चुके हैं कि पांचवा भाव जो है वो फिल्म का है। पांचवे भाव में से केतु का जब भ्रमण हो रहा था तो सडनली उन्होंने फिल्म लाइन में एंट्री ली। प्रीति जिंदा जो कि कॉलम राइटर थे बीबीसी न्यूज में ऑनलाइन, तो यहाँ पे हम देखें कि भी कॉलम राइटर होने के लिए बुध का बल होना जरूरी है, शनि का बल होना जरूरी है। तो यहाँ पे बुध और शनि का परिवर्तन है, और जब बुध खुद लेखन का कारक है और वो वक्री होकर बलवान होता है तो जातक अच्छा कॉलमिस्ट या अच्छा क्रिटिक्स पढ़ने वाला हो सकता है। उनको सर्वप्रथम जो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेम अवार्ड मिला वो 2003 में मिला था। तब गुरु महाराज का भ्रमण दशम भाव से हो रहा था। दशम भाव जो कि यश मान प्रतिष्ठा का है, आप जो कर्म का है, आप जो भी कर्म करते हैं उससे आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा यश या मान प्रतिष्ठा वो यहाँ से देखा जाता है। तो गुरु महाराज का यहाँ पे जो भ्रमण हो रहा था वो यहाँ पे राहु पे दृष्टि कर रहा था, गुरु सूर्य पे दृष्टि कर रहा था, और छठे भाव पे, छठा भाव जो कि कंपटीशन का है उस पे यहाँ से गुरु महाराज की जो दृष्टि थी उन्होंने उन्हें ओरल कंपटीशन में जीत दिलाई, यानी कि ये जो अवार्ड है वो दिलवाया। सूर्य जो कि खुद ही अवार्ड यश मान प्रतिष्ठा का कारक है उस पे गुरु महाराज की जो दृष्टि जा रही थी उन्होंने भी उसमें काफी हेल्प की। राहु जो कि हमारी तृष्णाओं का कारक है उस पे गुरु महाराज की जो दृष्टि जा रही थी उन्होंने उनकी जो तृष्णा थी, एक उनकी जो ख्वाहिश थी उसको फुलफिल किया। उनके जो नेसवाड़िया के साथ जो रिलेशन थे तो उसका जो स्टार्टिंग हुआ वो फेब्रुआरी 2005 से लेके मई 2009 तक रहा। फेब्रुआरी 2005 की बात करें तब शनि महाराज यहाँ से भ्रमण कर रहे थे और वक्री थे। राहु महाराज का जो भ्रमण था वो यहाँ पे था, केतु का भ्रमण यहाँ पे हो रहा था और शनि महाराज का भ्रमण जो था वो यहाँ से, और गुरु महाराज का भ्रमण जो था यहाँ पे हो रहा था। और एक बात यहाँ पे देखें कि भाई शनि महाराज उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव और पंचम भाव, पंचम भाव लव एट फर्स्ट साइट का है, चतुर्थ भाव है वो ओवरऑल प्रेम, और जो प्रेम दिल से होता है डीप में होता है उसका है। उस पे से शनि महाराज को भ्रमण जो चल रहा था उन्होंने एक नया रिलेशनशिप उनको लाके दिया। स्त्री की कुंडली में जब भी चंद्र पे से गुरु का भ्रमण होता हो तब या तो वो ऐसी कोई रिलेशन में आते हैं या उनकी शादी होती है। मई 2009 में वो ये रिलेशन से उन्होंने ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम देखें कि उस समय राहु महाराज का जो भ्रमण था वो यहाँ से हो रहा था, शनि महाराज यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। और तो यहाँ पे हम देखें कि चतुर्थ भाव जो कि दिल के प्रेम का है, फीलिंग्स का है, वहां पे जो सूर्य है उस पे से राहु का जो भ्रमण हो रहा था उन्होंने ये जो उनकी जो ओवरऑल रिलेशनशिप था उसमें कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए, और ये रिलेशन ब्रेक किए। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, ओवरऑल हमारा विल पावर है, तो सूर्य पे से राहु का जब भ्रमण होता है तो जातक के जीवन में एक या एक से अधिक ऐसी घटनाएं घटित होती है जो उनको ज्यादा डिस्टर्ब करती है मानसिक तौर पे। 13 जून 2014 को उन्होंने केस फाइल किया नेसवाड़िया के खिलाफ। तो उस समय के हम ग्रहों की परिस्थिति देखें तो चंद्र महाराज जो थे धनु राशि में भ्रमण कर रहे थे, जो कि मिथुन राशि में जो गुरु महाराज भ्रमण कर रहे हैं उनकी दृष्टि में ये चंद्र महाराज भ्रमण कर रहे थे। तृतीय भाव साहस का है। तृतीय भाव में चंद्र और उस पे गुरु की दृष्टि इंडिकेशन दे रही है कि उन्होंने जो भी ये कुछ साहस किया है, जो भी कुछ किया वो एकदम शुद्ध बुद्धि में किया है और उनको लेके वो बहुत ही स्ट्रांग है। 30 मई को जो प्रॉब्लम हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, उस समय की हम ग्रहों की परिस्थिति देखें तो सूर्य महाराज का भ्रमण जो था ये यहाँ पे हो रहा था वृषभ राशि में, चंद्र महाराज वो भी वृषभ राशि में थे, मंगल जो कि उनके चंद्र पे से भ्रमण कर रहा था, शनि महाराज और राहु महाराज का भ्रमण यहाँ से हो रहा था। जब भी कुंडली में चंद्र सूर्य और मंगल की युति होती है या वो एक दूसरे से त्रिकोण में भ्रमण करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य है यहाँ पे मंगल का भ्रमण यहाँ के पे सूर्य का भ्रमण, वो किसी न किसी व्यक्ति के साथ
झगड़ा या तकरार क्रिएट करता है। ओवरऑल हम देखें कि भाई 2014 और आने वाला वक्त जो है ब्रिटिश जनता के लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो गुरु महाराज का जो भ्रमण होगा जून में यहां से होने वाला है। दशम भाव खुद ही यश मान प्रतिष्ठा का है, कर्म का है। यहाँ पे गुरु महाराज का जो भ्रमण होगा वो उनको एक नए कर्म के साथ जुड़ेगा। हो सकता है वापिस वो फिल्म में अपना नया मुकाम बनाए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 2003 में उनको यहाँ से जो गुरु का भ्रमण हो रहा था उसने ही फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था, तो वहीं से वापिस ये गुरु का भ्रमण जून में यहाँ से होगा, जो एक साल तक रहेगा, जून 2014 से लेकर जून 2015। तो ये वक्त उनके लिए ही ओवरऑल अच्छा ही है। आगे गुरु का जो भ्रमण होगा, शनि महाराज का जो भ्रमण होने वाला है वो पॉजिटिव है। शनि महाराज का जो भ्रमण होगा यहाँ पे नवंबर से वृश्चिक राशि में, वो उनका जो रहने की जगह है, काम करने की जगह है, उसमें कुछ चेंजेस लाएगा, या हो सकता है कि उनके परदेश के योग करें थोड़े वक्त के लिए वो फॉरेन भी चले जाए। दूसरी एक बात है कि जुलाई से राहु महाराज 12वें भाव में आने वाले हैं, तो 12वां भाव जो कि इंडिकेशन है व्यय का, तो 12वें भाव में जो राहु का भ्रमण होगा वो उनके हेल्थ को लेके थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, उसके बारे में उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। आशा रखता हूँ कि प्रीति जिंदा जी का जो ये हॉरोस्कोप है उसका जो एनालिसिस मैंने आपको दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ हॉरोस्कोप लाके दूंगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि 1975 में जितने भी बालक जातक जन्म लिया है, जिन्होंने जन्म लिया है 1975 में, उनकी कुंडली में ऐसा देखा गया है कि मैरिज लाइफ, लव लाइफ, उसमें प्रॉब्लम रहे है, क्योंकि 1975 में गुरु महाराज ने तीन राशि में परिवर्तन किया था। जैसे कि गुरु जो है एक साल में एक राशि का परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन, लेकिन 75 में गुरु महाराज की स्पीड बहुत ज्यादा थी, अतिचारी थे, और उन्होंने तीन राशि परिवर्तन किए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, कुंभ से लेके मेष तक। तो गुरु जो कि स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, संतान का कारक है, ओवरऑल फैमिली का कारक है, तो 75 में जन्मे हुए मेल या फीमेल में मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम या संतान को लेकर प्रॉब्लम देखे गए हैं, ऐसा हमारा प्रैक्टिकल अनुभव बोल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।